नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। उत्तर प्रदेश में सियासी गर्मी मंगलवार को कुछ ज्यादा ही बढ़ गई जब यूपी के आजमगढ़ पहुंचे AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी राजनीति की जमीन तलाशने पूर्वांचल के कई जिलों के साथ आजमगढ़ दौरे पर आए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ओवैसी जौनपुर का दौरा पूरा करने के बाद जब आजमगढ़ आए तो आजमगढ़ के सरायमीर स्थित मदरसा बैतूल उलूम में उनका कार्यक्रम था। अपनी राजनीति की जमीन खो चुके ओम प्रकाश राजभर कभी दूसरी पार्टियों के खेवनहार हुआ करते थे, वो आज ओवैसी को अपना खेवनहार मानते हुए उनके साथ लगे हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर ओवैसी के माध्यम से अपनी खोई हुई राजनीतिक ताकत फिर से पाने के लिए उनके साथ राजनीतिक रास्ता तय कर रहे हैं। ओवैसी यूपी में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में बिगुल फूकने व अपने दल के लिए जमीन तैयार करने आजमगढ़ पहुंचे। ओवैसी को देखने के लिए किस तरह से आजमगढ़ में युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा, या यूं कहें अखिलेश के गढ़ में ओवैसी के दस्तक से मानो सियासी भूचाल मच गया। आप तस्वीरों में देखें कि ओवैसी की एक झलक पाने के लिए किस तरह से युवा हुजूम उमड़ा हुआ है। वहीं ओवैसी के समर्थक अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में भगदड़ मचा दिए, चारों ओर हो हल्ला होने लगा। प्रत्येक कार्यकर्ता ओवैसी से मिलना चाहता था। आप देखें यह पूरा वीडियो, फिर हम आपको सुनाएंगे कि इस दौरान ओवैसी ने क्या कुछ कहा। आप देख रहे हैं आजमगढ़ से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। इलेक्शन हम लड़ते हैं तो क्या मेरा मकसद यह है कि मैं किसी एक पार्टी को जिताऊं या हराऊं? मेरा मकसद होता है कि मेरा मोर्चा, मेरे और मेरे मोर्चे के कैंडिडेट कामयाब हों। तो हार जीत तो लगी हुई है। ये जो गुलामी की ज़हनियत है कि नहीं, आप इलेक्शन मत लड़िए, आप सिर्फ थाली बजाइए और हमारी और हम वोट देते रहिए, अब राजनीति बदल चुकी भारत की। अब हम अपना हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई हो रही है और मुझे यकीन है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपने जो मोर्चा बनाया, आपको भाई जिसको जरूरत है आ जाए, हम तो तैयार हैं। राजभर साहब हमारे संकल्प मोर्चा के लीडर हैं, कन्वीनर हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा इस बात, आपके मोर्चे पे सत्ता दल का कहना है कि बाहरी लोग हैं और यहाँ कुछ खास कर नहीं पाएंगे, चार दिन की हवा है, उसके बाद चुनाव में जनता बता देगी। ठीक है, चार दिन की अगर बाहर है तो मालूम हो जाएगा कितनी बाहर किसकी है। ये तो हम पर इल्जाम लगते रहता है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं सुनते आ रहा हूँ, ये बात नई बात नहीं, चलता रहे। क्या 2022 में सभी सीटों पे आप नहीं बता रहे? 2022 के पूर्वांचल में जौनपुर और आजमगढ़ को आए हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा MIM पार्टी है और
मैं जनता का, पूर्वांचल की जनता का, जौनपुर की, आजमगढ़ का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ा ही मोहब्बत का मुजाहरा किया और हमारा बड़ा पुरजोश तरीके से हमारा वेलकम किया। और हमको यकीन है कि ये भागीदारी संकल्प मोर्चा, जिसकी क़यादत जनाब राजभर साहब कर रहे हैं, ये आने वाले विधानसभा के चुनाव में बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। खासतौर से जो पूर्वांचल का दौरा है उसको लेके आप क्या और किस तरीके से आप? अभी तो हमारी शुरुआत हुई है, मैं पूरे यूपी में घूमूंगा जनाब राजभर साहब के साथ, यूपी के हिस्से में जाएंगे, जनता से मुलाकात करेंगे, क्योंकि कोरोना और कोविड की वजह से रेस्ट्रिक्शन है। हमको उम्मीद है कि जो वैक्सीन दी जा रही है तो उसके एक डेढ़ महीने के बाद जब जनसभाएँ करने का मौका मिला वो भी करेंगे। जिस तरह से जनता ने आपको हाथों हाथ लिया ये तो ठीक है, लेकिन वो कटवा की तरह से लोग कहने की ये तो देखिए, जिसको डर होता है ना हारने का, तो हम पे इल्जाम यही लगा सकते हैं।